हम इस बात को जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एशिया के इज़राइल देश में बैतलहम नाम का जगह में जन्मा, लगभग 33 साल अपना जीवन जिया, कई तरह का चमत्कार किया और क्रूस में उसे चढ़ाया गया हमारे और आपके पापों के बदले। उसको एक कब्र में रख दिया गया, जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, एक कब्र में रखा। नया कब्र था जहां पर किसी और मुर्दा को इससे पहले नहीं रखा गया था। उस कब्र के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर लगा था जिसे अकेला आदमी कभी भी नहीं हटा सकता, और उसमें रोमी सम्राट का एक मोहर था कि भाई रोमी सरकार का आदेश है कि कोई उस पत्थर को नहीं खोल सकता, नहीं हटा सकता। और फिर वहां पर सैनिक भी पहरा दे रहे थे। और हम इस बात को जानते हैं, यीशु मसीह तीसरे दिन सप्ताह का पहला दिन जिंदा हो गए। कब्र खुला हुआ था, यीशु मसीह का जो कपड़ा था जो उसे लपेटा गया था, उसका शरीर को और उसका सर को दो कपड़ा, वो वहाँ पर वैसा ही रखा हुआ था बढ़िया से सजा कर। और फिर हम जानते हैं कि यीशु मसीह चेलों को कई बार दिखाई देते रहे 40 दिन तक, और उसके बाद स्वर्ग में उठा लिए गए। तो इस कहानी को मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिजरेक्शन का जो थ्योरी है, ये पुनरुत्थान का जो स्टडी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग क्या क्या बातें सीखने वाले हैं, आज हम लोग सीखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिजरेक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्ट्रिन रिजरेक्शन, जी उठना, पुनरुत्थान का क्या महत्व है, इस बात को हम देखेंगे। अगर ये हम समझ जाए तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, इस बात को भी देखेंगे। अब बहुत लोग जो है विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह जी उठा है, तो ऐसा क्या क्या एविडेंस या सबूत है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पक्का यीशु मसीह जी उठा है। नेचर ऑफ जीसस आफ्टर रिजरेक्शन, यीशु मसीह जी उठा तो क्या उसका शरीर जी उठा हड्डी और मांस के साथ, या आत्मा में जी उठा? यीशु मसीह जी उठने के बाद कैसा था, क्या उसे लोग देख पा रहे थे, मालूम नहीं। तो आइए हम लोग इसको भी देखेंगे डिटेल में। जी उठने के बारे में कई तरह का फॉल्स थ्योरी भी पाया जाता है, और आए दिन कई लोग इस बात पर उंगली उठाते हैं और सवाल उठाते हैं। बहुत सारा फॉल्स थ्योरी का रिफ्यूटेशन भी हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं, और ये डॉक्ट्रिन का हमारा व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम इस पर विश्वास करते हैं, तो इन बातों को भी हम आज का क्लास में समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन। बाइबल इस शब्द का इस्तेमाल करता है स्लीप, सोना, मृत्यु के लिए सोना शब्द का इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो लोग यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे कभी मरते नहीं, उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है सोना। बाइबल का डिक्शनरी के अनुसार विश्वासियों के लिए मृत्यु शब्द डिक्शनरी में नहीं है, हालेलुया। ये जो शब्द है रिजरेक्शन, इसका मतलब है रीजन, जाग जाना। जब हम लुका 24 उसका 34 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर है यीशु मसीह जी उठा। तो ये जो जी उठना जो शब्द है रीजन, इसको हिब्रू में बोलते हैं एजीरो। एजीरो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू अराउज फ्रॉम स्लीप, मतलब सोया हुआ था और जाग गया। टू अराउज फ्रॉम द स्लीप ऑफ डेथ, मृत्यु का सैया में सोया हुआ था, अब वहां से जाग गया है। टू रिकॉल द डेड टू लाइफ, मरा हुआ व्यक्ति अब जीवित हो गया, ये उसका मीनिंग है। हम लोग इंडिया में रहते हैं और कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, एक पुनर्जन्म को लेकर, दूसरा पुनरुत्थान को लेकर के। तो पुनर्जन्म और पुनरुत्थान दोनों में अंतर है। तो बेसिक अंतर क्या है, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि पुनर्जन्म में ऐसा होता है कि ये एक पैंथेस्टिक है, मतलब पंथ का ऐसा विश्वास है, लेकिन रिजरेक्शन का जो थ्योरी है वो थियस्टिक है, इसका मतलब है वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ बातें है जो परमेश्वर के बारे में बताता है। पुनर्जन्म का थ्योरी में आत्मा और प्राण का ड्यूअलिज्म का थ्योरी पाया जाता है, जबकि रिजरेक्शन का थ्योरी में आत्मा और प्राण का यूनिटी, मतलब दोनों साथ जी उठे हैं, ऐसा पाया जाता है। अभी पुनर्जन्म में क्या होता है, वो जी उठे और फिर मर गए, लेकिन पुनरुत्थान में ऐसा है कि जी उठने के बाद दोबारा मृत्यु नहीं है, अमर है। ये पुनर्जन्म वाला जो घटना है कई बार होता है, लेकिन रिजरेक्शन का थ्योरी केवल एक बार, एक बार मरना, एक बार न्याय का होना नियुक्त है, और फिर जब यीशु आएगा तो एक बार जी उठेगा, फिर कोई मृत्यु नहीं रहेगा। पुनर्जन्म का थ्योरी में यह एक बीच का स्टेज है, मतलब एक इंसान
84 लाख योनियों से होकर गुजरता है तब जाके मोक्ष या मुक्ति पाता है। लेकिन यहाँ पर रिजरेक्शन का थ्योरी में हम क्या देखते हैं कि ये अल्टीमेट स्टेज है, एक आखिरी पड़ाव, इसके बाद कोई और स्टेज आगे जाने वाला नहीं है। पुनर्जन्म का थ्योरी एक तरह का प्रोसेस है जो कई तरह से धीरे 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 चलता रहता है। अभी ये जन्म लिया, कभी चिड़िया, कभी बकरी, तो कभी कुछ और। लेकिन यहां हम देखते हैं रिजरेक्शन का थ्योरी में ये परफेक्ट है, पूर्ण हो जाता है, बस खत्म हो जाता है। पुनर्जन्म का थ्योरी कर्मा पर, आप जैसा काम करेंगे वैसा जन्म आपको अगला बार मिलेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। और रिजरेक्शन का थ्योरी संपूर्ण रूप से परमेश्वर का अनुग्रह पर निर्भर करता है। तो आई होप आपको ये अंतर समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ये है, द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द डेड, यीशु मसीह का जी उठना मृत्यु में से। तो यहां सवाल है, Why we should study this doctrine of resurrection? ये पुनरुत्थान या जी उठने का डॉक्ट्रिन को हम लोग को पढ़ना चाहिए, क्यों, क्या कारण है? अगर हम इसे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और समझ लेंगे तो क्या फायदा होगा? आइए हम इस बात को यहाँ समझने का कोशिश करेंगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ रिजरेक्शन, इसके लिए बहुत सारा कारण है। पहला कारण, यह परमेश्वर के बारे में बताता है। ये बताता है कि परमेश्वर ने कैसे हमें पाप से छुटकारा देने के लिए प्लानिंग किया, पुराना नियम में और नए नियम में, और परमेश्वर स्वयं इस काम को खत्म करता है। जब यीशु मसीह क्रूस में मरा तो उसने एक शब्द बोला, पूरा हुआ। सो परमेश्वर का वो मिशन, उद्धार का मिशन पूरा हुआ क्रूस में। ये यीशु मसीह के बारे में बताता है कि यीशु मसीह जन्मा, हमारे और आपके समान जिया, निष्पाप रहा, क्रूस में चढ़ाया गया, मरा, गाड़ा गया कब्र में, और फिर से जी उठा हमारे लिए। वह एक यूनिक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वो परमेश्वर का बेटा है जिसने दुख उठाया, जिसने रिजेक्शन झेला, जिसने मृत्यु को सहा और अपना महान प्रेम को हम पर प्रकट किया। तो हम भी जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपना जीवन यीशु को सौंप देते हैं, तो हम भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं और जीवित नहीं रहते। लेकिन अब जब हम जीवित हो जाते हैं तो यीशु मसीह के समान एक नया स्वभाव में जीवित होते हैं। ये हमारे बारे में बताता है कि यीशु मसीह जी उठा तो हम लोग भी वैसा ही मृत्यु में से जी उठेंगे। हम लोगों ने यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लिया है और हमें ये अनंत आशा है कि एक दिन यीशु मसीह जैसा जी उठा है हम भी जी उठेंगे। यह जीवित आशा हमें सहायता करता है और ताकत देता है कि हम यीशु मसीह के लिए दुख उठा सके, यहां तक कि मृत्यु भी झेल सके। यह डॉक्ट्रिन हमारा कई तरह का डाउट को क्लियर करता है। बहुत सारा फॉल्स थ्योरी पाया जाता है रिजरेक्शन को लेकर के, और यीशु मसीह जी उठा है या नहीं उठा है। यह डॉक्ट्रिन को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा कई तरह का डाउट क्लियर हो जाता है और हमारा मजबूत विश्वास और अधिक मजबूत होता जाता है। तो आगे सवाल यह है कि वह रिजरेक्शन प्री प्लान्ड, क्या परमेश्वर ने पहले से इसके बारे में प्लान करके रखा था? बाइबल इसके बारे में क्या बताता है? आइए हम इस बात को देखेंगे। बाइबल बताता है कि रिजरेक्शन प्री प्लान्ड था और कई एक वचन यहाँ पर पाया जाता है। जैसे आप इन वचनों को यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और 3रे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। होसे 6:2 में लिखा है, और लुका में भी कई बार यीशु मसीह ने इस बात का जिक्र किया है कि मनुष्य का पुत्र का ऊंचे पर चढ़ाया जाना जरूरी है और फिर एक दिन यीशु मसीह जी उठेगा, इस बात को भी वो कई बार बोलता है। क्या अवश्य यह ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से लेकर सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया कि मसीह दुख उठाएगा और जी उठेगा। यीशु मसीह चेलों के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनकी आंखें खोल दिया और उनको पवित्र शास्त्र की बातें यहां वहां से सारी बातें समझाया। तो इससे यह साबित होता है कि यह प्री प्लान्ड था। और भी कई वचन है वहां लिखा है, जैसे प्रेरितों के काम और भजन संहिता में भी पढ़ेंगे तो मालूम होगा, उसने होने वाली बात को पहले ही देख कर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। मत्ती में भी लिखा है कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह 3रे दिन जी उठेगा। तो
तो हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया जाएगा या प्री प्लान था। यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया गया, क्या सचमुच वो जिंदा हुआ? आज दुनिया इस बात का सबूत मांगता है कि यीशु जिंदा है तो एविडेंस दो। बाइबल में ऐसा कई एविडेंस दिया गया है और इतिहास भी इस बात का गवाह है। तो ऐसा क्या क्या बातें हैं, आइए हम इन बातों को यहाँ समझने का कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना ताकि आपको जवाब देने के लिए परमेश्वर बुद्धि दे। सो एविडेंस ऑफ रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह जी उठा है इस बात का सबूत। सबसे पहली बात, द स्टोन एंड सील ऑफ रोमन गवर्नमेंट। जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो वहां पर रोमन गवर्नमेंट का सील था और वहां पर रोमी सरकार का पहरेदार पहरा दे रहे थे और बहुत कड़ा पहरा। लेकिन तीसरा दिन, सप्ताह का पहला दिन, यीशु मसीह जी उठा, कब्र खुला था, कब्र खाली था। जब चेले और कई महिला जब वहां पर जाती है, देखती है कि कब्र खुला हुआ है, और जब पतरस अंदर जाकर देखता है तो क्या पाता है कि यीशु मसीह का कपड़ा, उसका मुंह का कपड़ा और उसका शरीर को जिससे बांधा गया था, उस कपड़ा को वहां पर वैसा ही रखा पाया। तो इससे यह साबित होता है कि यीशु मसीह जी उठा है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यीशु मसीह का डेड बॉडी को चेलों ने आकर चुरा लिया। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रोमी सरकार का कड़ा पहरा था और उस पत्थर को हटाया जाना भी मुश्किल था, अकेले नहीं हटा सकते। अगर कोई यीशु मसीह का डेड बॉडी को चुराता भी तो कपड़ा एकदम सजा के बढ़िया से वहां पर नहीं रखता, क्योंकि खोलने में टाइम लगता है। एक बात याद रखिए, यीशु मसीह जी उठा और वहां से बाहर निकल गया। यीशु मसीह का शरीर ऐसा था जो वो कब्र से आसानी से बाहर निकल सकता था, गायब हो सकता था, बंद दरवाजा में भी अंदर जा सकता था, लेकिन वहां कपड़ा क्यों छोड़ा? ताकि इस बात का कुछ सबूत हो कि यीशु मसीह जी उठा है और फिर दोबारा आने वाला है। यीशु मसीह कई लोगों को दिखाई दिया। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मत्ती, मरकुस, लुका, यूहन्ना, तो आप पाएंगे कि कई लोगों को यीशु मसीह दिखाई दिया जी उठने के बाद। मरियम मगदलीनी को और कई महिलाओं को जो कब्र पर गई थी, पतरस को, इम्माउस का दो डिसाइपल को, उसके बाद 10 डिसाइपल को, बाद में 11 डिसाइपल को, उसके बाद झील के किनारे जब चेले मछली पकड़ने के लिए गए थे उस समय भी दिखाई दिया, उनके साथ खाया, और 500 से अधिक विश्वासियों को दिखाई दिया। फिर हम आगे ये देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, उसके बाद भी स्टीफनस को, पौलुस को और पत्मोस टापू में यूहन्ना को यीशु मसीह दर्शन देता है। तो ऐसा कई सबूत पाया जाता है। आप यहाँ पर 16 ऐसा पॉइंट है जिसको आप देख सकते हैं बाइबल रेफरेंस के साथ में कि यीशु मसीह जी उठा है, और इस बात का प्रमाण यहाँ इन वचनों में है। यीशु मसीह जी उठने के बाद ही ये शब्द हम लोग सुनते हैं ना, एडी एनो डोमिनी। ये इस बात का प्रमाण है। यीशु मसीह जी उठने का और भी प्रमाण ये है कि चेलों का जीवन बदल गया। जब आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके आगे पढ़ेंगे तो वो चेले जो डर के मारे दुबके रहते थे अंदर, अब उनका जीवन बदल गया है। पेंटिकोस्ट स्वयं इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाऊंगा और एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा, और यीशु मसीह गया और वो सहायक आया। ठीक है, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा है तो रोमी सरकार और यहूदियों को यह चाहिए था कि भाई यीशु मसीह का डेड बॉडी दिखाए, तभी ना मानेंगे। वो यीशु मसीह का डेड बॉडी को प्रस्तुत नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह किस दिन जी उठा? सप्ताह का पहला दिन। और तब से सप्ताह का पहला दिन एक ऐतिहासिक दिन बन गया जहां परमेश्वर का आराधना होता है, जिसे आज हम संडे कहते हैं। और दुनिया में संडे छुट्टी का दिन, आराम का दिन होता है, परमेश्वर की आराधना का दिन होता है। और कई ऐसे प्रमाण हैं। पुराना नियम का भविष्यवाणी है, यीशु मसीह का खुद का अपने बारे में भविष्यवाणी कि वह जी उठेगा। कई लोगों का बदला हुआ जीवन इस बात को प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह जी उठा है। सौल नाम का एक व्यक्ति जो कलीसिया को सताया करता था, बहुत मारता था, मसीहों का विरोधी था, उसका जीवन बदल गया, जिसे हम आज पौलुस के नाम से जानते हैं। तो सवाल यह है, हाउ वॉज द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट आफ्टर रिजरेक्शन? यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसका जो शरीर था वो कैसा था? हम इस बात को जानते हैं और विश्वास करते हैं, हमें परमेश्वर ने बनाया है और हम में 3 बातें हैं, आत्मा, प्राण और देह।
ट्राइकोटोमी थ्योरी, आप इसके बारे में हमारा पिछला वीडियो में जरूर देखे होंगे। जब यीशु मसीह जी उठा तो उसका शरीर कैसा था और हम जी उठेंगे तो कैसा होगा, ये हम जरूर देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक सावधान रहने वाली बात आपको समझना जरूरी है, और वो क्या बात है? जितना बाइबल में बताया गया है उससे कहीं अधिक बातें होंगी जब हम लोग जी उठेंगे। कुछ बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रहस्य रखा है, तो उन बातों को जानने का बेकार कोशिश हम लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वचन में हम जी उठा हुआ यीशु मसीह का स्वभाव, मतलब उसका नेचर को देख सकते हैं। यीशु का आत्मा प्राण देह कैसा था, उस बात को हम यहाँ पर देख सकते हैं बाइबल में। तो आइए हम इन बातों को देखेंगे। सबसे पहले यीशु मसीह का जो शारीरिक देह है, हड्डी और मांस का शरीर, उसके बारे में हम देखेंगे। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 6-7 और कई वचन में हम लोग पाते हैं कि यीशु मसीह जब जी उठा तो सशरीर जी उठा था। हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह का शरीर कब्र में नहीं पाया गया, वो खाली था। जब चेले वहां पर दौड़ कर गए, और हम देखते हैं कि कई महिलाएं जब यीशु के कब्र पर गई तो उन्होंने देखा कब्र खाली है। यह इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह जी उठा है सशरीर, क्योंकि उसका शरीर वहां पर नहीं था। चेले एक कमरे में थे और यीशु मसीह वहां पर प्रकट होता है, और यीशु मसीह अपना हाथ, छिदा हुआ हाथ भी दिखाता है। तो इससे ये पता चलता है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद भी उसका जो शरीर है वो ऐसा है जो पहले दिखाई देता था, ठीक वैसा है। जी उठने के बाद यीशु मसीह दूसरों को भी पहचान सक रहा था, और दूसरे लोग भी जो यीशु को देखे थे आसानी से पहचान पा रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि जी उठने के बाद आसानी से हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे। हम यहां देखते हैं कि यीशु मसीह को चेलों ने छुआ। जी उठा हुआ शरीर ऐसा था जिसे छुआ जा सकता था, तो यीशु मसीह को भी चेलों ने छू कर देखा और इस बात को पक्का किया कि यीशु मसीह सच में जी उठा है। पतरस और उनके अन्य साथी वापस मछली पकड़ने चले गए थे, और वहां क्या होता है, यीशु मसीह फिर उनसे मिलने के लिए आता है, और यीशु मसीह साथ बैठ करके मछली खाता है उनके साथ। तो इससे ये पता चलता है कि जी उठा हुआ शरीर खा भी सकता है, और यीशु मसीह इस बात को प्रमाणित करना चाहता था कि मैं सच में जी उठा हुआ हूं। जी उठा हुआ शरीर जो है एक महिमावान शरीर होता है, एक ग्लोरियस शरीर। जब हम फिलिप्पी 3 उसका 21 वचन पढ़ते हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम जी उठेंगे तो हमारा ये जो हड्डी और मांस का शरीर, अभी जो दीनहीन देह है, मतलब परेशान सा देह है, यह शरीर महिमावान देह में बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का शरीर एक ऐसा शरीर है जो बंद दरवाजे में भी अंदर जा सकता है। दरवाजा बंद था, चेले आपस में डरे हुए थे, और वहां उनके बीच में यीशु मसीह प्रकट होता है और उनसे बातचीत करता है। जब आप लूका 24 अध्याय पढ़ेंगे उसका 15 और 31 वचन, तो आप पाएंगे कि इम्माऊस का रास्ता में यीशु के दो चेले चल रहे थे, और वह आपस में डिस्कशन कर रहे थे यीशु का मृत्यु के बारे में। जब साथ में रोटी तोड़ने बैठे तब उनकी आंखें खोल दी गई और वे यीशु को पहचान पाए। तो इससे ये पता चलता है कि जी उठा हुआ शरीर यीशु मसीह का कभी भी प्रकट हो सकता है, कभी भी गायब हो सकता है। जी उठा हुआ शरीर एक महिमावान शरीर होता है, आसमान में उड़ सकता है। जब हम लूका 24 अध्याय पढ़ेंगे या प्रेरितों के काम 1 उसका 9 वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने चेलों को अपने पास बुलाया एक खास जगह में, और उसके बाद उसने अपने हाथ ऊपर किए और फिर वो धीरे धीरे बादलों में उठा लिया गया। इसका मतलब जी उठा हुआ शरीर महिमावान शरीर है जो उड़ सकता है बादलों में। हालेलुया। जी उठा हुआ शरीर इमोर्टल है, अनश्वर है, अमर है, जो मरेगा नहीं, नाश नहीं होगा। जब आप रोमी 6 उसका 9 पढ़ेंगे और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि नश्वर शरीर ने अमर शरीर को पहन लिया। इसका मतलब यह है
कि यीशु मसीह का शरीर जी उठने के बाद इम्पेरिसेबल हो गया, उसके बाद कोई डेथ कोई मृत्यु नहीं है, यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। सो मेरे प्रियो, जब हम और आप भी जी उठेंगे तो हम भी अमरता को पहन लेंगे और फिर दोबारा कोई मृत्यु नहीं होगा। हमारा यही आशा है कि जैसा यीशु मसीह जी उठा वैसा ही हम भी एक दिन जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है जी उठेंगे। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह दोबारा आएगा हम भी जी उठेंगे और यीशु मसीह के साथ मिलेंगे। मसीहियों के लिए मृत्यु के बदले एक शब्द इस्तेमाल किया गया जिसे हम कहते हैं मसीह में सो जाना, प्रभु में सो जाना। तो हम मरते नहीं हैं, हम सो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक दिन जब यीशु मसीह दोबारा आएगा हम जागेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें जिला उठाएगा और जब हम जी उठेंगे ये जो हमारा दीनहीन शरीर है यह बदल जाएगा और महिमावान देह हमें दिया जाएगा। एक ऐसा देह जो कभी मरेगा नहीं, अमर देह, महिमावान। हमने यीशु मसीह को देखा कि जी उठने के बाद वो कैसा था। हो सकता है इससे कहीं अधिक हमें ऐसा महिमावान देह मिलेगा। आमीन, हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं? रिजरेक्शन का थ्योरी को लेकर के कई तरह का फॉल्स थ्योरी और ट्रू थ्योरीज भी है, तो आइए हम इस बात को भी यहां समझने का कोशिश करेंगे। पहला थ्योरी जिसे हम कहते हैं सून थ्योरी, इसका मतलब यह कि यीशु मसीह बेहोश हो गया था, वो मरा नहीं था, और जब उसको कब्र में रखा गया तो वहां पर ठंडा जगह था और यीशु मसीह को फिर से होश आया और फिर वो दरवाजा खोला और निकल के चला गया। यह थ्योरी गलत है। जब हम और आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो हम इस बात को जानेंगे कि यीशु मसीह को एक कपड़ा से लपेटा गया। वो कपड़ा से तब लपेटा जाता है जब किसी का मृत्यु हो जाता है, और डॉक्टर लूका जब इस बात को लिखता है, क्योंकि वो फिजिशियन है, इस बात को वो साबित करता है कि उसका मृत्यु हो चुका क्रूस में, और जब उसे भाला मारा गया तो उसके पेट से पानी निकला। इससे यह साबित होता है कि वह मर चुका था। अगर यीशु मसीह मरा नहीं होता, बेहोश होता, तो पूरा कपड़ा खोलकर निकलने में भी उसका मुश्किल हो जाता। दूसरा एक थ्योरी है हेल्यूसिनेशन थ्योरी, जिसे बोलते हैं भ्रम। लोग ऐसा बोलते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, उसको प्यार करने वाले, इमोशनली अटैच बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने जिसको भी देखा उनको ऐसा लगता था कि यीशु मसीह है। एक तरह से उनको भ्रम होता था कि उन्होंने सच में जीवित हो उठा यीशु मसीह को नहीं देखा, बट उनको भ्रम हुआ है। यह थ्योरी भी गलत है, क्योंकि भ्रम एक या दो व्यक्ति को हो सकता है, सारे लोगों को भ्रम हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यह थ्योरी भी गलत है, क्योंकि बाइबल इस बात को बताता है कि 500 से अधिक लोगों को और कई चेलों को यीशु मसीह 40 दिन तक दिखाई देता रहा। यीशु मसीह उनके साथ खाया पिया, इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह जी उठा है। ओके, तीसरा एक थ्योरी है इम्पर्सोनेशन थ्योरी। इसका मतलब ये कि यीशु मसीह के जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति वहां पर घूम रहा था और लोगों से मिल रहा था, लेकिन वो यीशु मसीह नहीं था। जिनके साथ हम 3 साल 3.5 साल रहे हैं या जिनके साथ हम बहुत समय से रहे हैं, हम उनको आसानी से पहचान जाते हैं, और 40 दिन के अंदर तो हम किसी को भी पहचान जाएंगे कि ये वही व्यक्ति है या कोई और है। तो यह थ्योरी भी गलत है। चेलों ने यीशु मसीह को करीब से देखा और पहचाना, उनके साथ खाया भी, उनके साथ बैठा, यीशु मसीह बंद दरवाजे में भी अंदर आ सका था। अगर ये कोई दूसरा व्यक्ति होता तो इम्माऊस का रास्ता में जो दो चेलों के साथ मिला था अचानक वहां से गायब नहीं हो जाता। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ होता और कोई एक और व्यक्ति घूम रहा होता तो फिर आसमान में उड़ता भी नहीं। तो यह थ्योरी भी गलत है। तो आज हमने क्या सीखा, आइए हम इस बात को भी जल्दी से देख लेते हैं। यीशु मसीह आज भी जिंदा है और वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। हम जिसकी आराधना करते वह जिंदा परमेश्वर है, वह कभी मरने वाला नहीं है। जिंदा होकर के यीशु मसीह ने इस बात को साबित कर दिया है कि यीशु मसीह परमेश्वर है और वही प्रभु है। उद्धार का निश्चय था और हम फिर जी उठेंगे, इस बात का निश्चय था यीशु मसीह हमें देता है। हमारे पास एक जिंदा आशा है और वह जिंदा आशा क्या है कि एक दिन हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। मृत्यु का जो डंक था
उसको यीशु मसीह ने खत्म कर दिया, मृत्यु का जो डर था उसे खत्म कर दिया। हम विश्वासी एक बार मरते हैं और उसके बाद अनंत काल तक जीते हैं, हमें मौत का डर नहीं है। यीशु मसीह का रिजरेक्शन का जो पावर है वो हमारे लिए अवेलेबल है, और आज हमें यीशु मसीह का जी उठने का एक गवाह होना चाहिए। जैसा पतरस बोलता है कि हम उसके गवाह हैं, यूहन्ना बोलता है कि मैंने उसे छुआ, देखा और परखा है, जाना है, हम उसके गवाह हैं। ठीक वैसे ही आज हमें जहाँ कहीं हम रहते हैं, काम करते हैं, वहाँ पर हमें लोगों के बीच में यीशु मसीह का जी उठने का गवाह बनना चाहिए, और यीशु मसीह जी उठा है ये हमारा जीवन से दिखाई देना चाहिए। और हम लोग ये भी विश्वास करते हैं कि ही विल कम फॉर फाइनल जजमेंट, एक दिन यीशु मसीह दोबारा आएगा। जब आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे एक अध्याय में, तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर है और वो अपने चेलों को बहुत सारा आज्ञा दिया, और उसके बाद अपना हाथ ऊपर किया और बादलों पर उठा लिया गया। और जब चेले ऊपर देख ही रहे थे तो स्वर्गदूत आया और उन्होंने कहा कि जैसा तुमने यीशु मसीह को ऊपर जाते देखा है वैसे ही वह फिर आएगा। तो यीशु मसीह दोबारा आएगा, बाइबल कई जगह इस बात को बताता है। आइए उसके दोबारा आगमन का तैयारी हम सब मिलकर करें। हम जिन पाप में फंसे हुए हैं और ये समझते हैं कि पाप ताकतवर है, अब उस बात को भूल जाइए, क्योंकि रिजरेक्शन हो चुका है, यीशु मसीह जी उठा है और यीशु मसीह पावरफुल है, हमें वो सब पापों से छुटकारा दे चुका है। इस बात पर विश्वास कीजिए। और ऐसा बात जो हमें परमेश्वर से दूर करता है उससे अलग रहकर आइए हम यीशु मसीह के पीछे चले। गलातियों 2 का 20 में लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। तो आइए अब हम यीशु मसीह को अपना जीवन में जीवित दिखाएं। आपने इस डॉक्ट्रिन से और क्या क्या सीखा है आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं।